प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की हिंदी का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो दो मॉडल प्रश्न पत्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उन पर वीडियो बना दिए हैं। तो आप वीडियो देखकर अपना जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ बच्चों, अदर सब्जेक्ट है जो, उनके भी हमने वीडियो बनाए हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है खंड अ। इसमें बच्चों हमें गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो बच्चों, ये जो पूरा गद्यांश है बच्चों, वो सारा विद्यार्थी जीवन पर दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर हमें इसी पैसेज में से मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़िएगा आप। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो बच्चों, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो है विद्यार्थी काल, क्योंकि जो पूरा ही गद्यांश था वो विद्यार्थी जीवन पर था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आएगा। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? विद्यार्थी को कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यार्थी यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है तो उसे क्या मिलेगा बच्चों? ज्ञान मिलेगा। तो ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर है बच्चों, पैसेज के अंदर से ही ढूंढे गए हैं। चौथा है, आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? तो बच्चों, अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए श्रम, अनुशासन होना चाहिए, समय की पाबंदी भी होनी चाहिए और सही योजना बनाकर चलना चाहिए। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, उपयुक्त सभी ये तीनों गुण होने चाहिए बच्चों में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। पांचवा है, अवतरण में आए विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो संधि विच्छेद है बच्चों, वह नंबर वाला वो सही है, विद्या प्लस अर्थी। तो देखो यहाँ पर भी विद्या प्लस अर्थी दे रखा है, ए और बे दोनों में, लेकिन आपको देखना है बे वाले में द के नीचे हलंत है, यानी द आधा है। ठीक है, तो वह ऑप्शन सही है। अगला बच्चों, काव्यांश दे रखा है, कविता दे रखी है, उसको पढ़ना है हमें। तो बच्चों, ये जो कविता है वो आपको ध्यान से पढ़नी है। ये कविता बच्चों हिमालय पर्वत पर है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न शुरू होता है बच्चों, उक्त पद्य अवतरण का शीर्षक बताना है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो उपयुक्त कविता है वो किस पर है? हिमालय पर। तो इसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा हिमालय। सातवां प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में भारत के दिव्य भाल किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत को कहा गया है। अगला है, काव्यांश में आए समास पंचनद शब्द में समास व समास विग्रह का सही चयन कीजिए। बच्चों, पंचनद का अर्थ होता है पांच नदियों का समूह। ओ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर अ है वो आएगा द्विगु समास। इसका पहला पद बच्चों संख्यावाचक होता है। नौवां प्रश्न है, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान? पंक्ति में निदान कौन खोज रहा है? हिमालय। दसवां प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में किन किन नदियों का वर्णन हुआ है? बच्चों, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चारों नदियों का वर्णन हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, उपयुक्त सभी आएगा। अगला प्रश्न शुरू होता है बच्चों, ये बुक के अंदर से है। 10 प्रश्न थे जो हमारे पैसेज के अंदर से थे। शिव पूजन सहाय की रचना का नाम बताइए। माता का आंचल। पाठ के आगे बच्चों जहाँ दिया होता है वहां पर रचनाकार का नाम भी दिया होता है और पाठ का नाम भी दिया होता है। 12वां प्रश्न है, कटाओ लायुंग से कितनी ऊंचाई पर था? 500 फीट। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं बच्चों, मुझसे चला नहीं जाता में मुझसे संज्ञा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। चौथा प्रश्न है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। 5वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 उपसर्ग प्रचलित है। छठा प्रश्न है, कर्ता का बोध कराने वालों को कौन से प्रत्यय कहते हैं? कृतवाचक कृदंत। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है। तो ये बच्चों जो प्रश्न का आंसर ऊपर लिखा हुआ है वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न ही करेंगे। गुण संधि की परिभाषा लिखिए। अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ नामक स्वर हो तो उनका परिवर्तित रूप क्रमशः
ए ओ तथा हो जाता है उसे गुण संधि कहते हैं। अब जो प्रश्न होता दूसरा आता है कर्म धारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बताइए। इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड क्वेश्चन आंसर मैंने ऊपर लिखा है, नीचे स्पेस नहीं था बच्चों इसलिए ऊपर लिख दिया है। कर्म धारय समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये दोनों अंतर है बच्चों कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में। प्रश्न नंबर तीसरा शुरू होता है बच्चों कोल्लू का बैल मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कोल्लू के बैल का अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना। तो इसका प्रयोग करेंगे, सुधीर अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोल्लू के बैल की तरह कार्य करता है। अगला चौथा है बच्चों किसी एक लोकोक्ति का परिचय देते हुए लोकोक्ति की परिभाषा बतानी है। तो बच्चों एक लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है बिल्कुल निरक्षर होना यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। पांचवा प्रश्न है गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से क्या कहा। तो गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण ने हमसे छल किया है तो अब हम कैसे शांत रह सकती हैं, श्री कृष्ण तो स्वार्थी हो गए हैं। अगला प्रश्न है छठा लक्ष्मण की बातों से परशुराम क्रोधित क्यों हो रहे थे। लक्ष्मण ने शिव धनुष को सामान्य धनुष कहकर परशुराम का अपमान किया था, इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया था। सातवां प्रश्न है कन्यादान कविता का वर्ण्य विषय क्या है। कन्यादान में बेटी के विवाह का वर्णन है जो माँ बेटी को विदा करते हुए सीख देती है। आठवां प्रश्न है हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ क्यों लपके। तो बच्चों हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ इसलिए लपके थे कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे की लकड़ी से बना हुआ छोटा सा चश्मा जब उन्होंने लगा हुआ देखा तो वे उस तरफ लपके। अगला प्रश्न है नौवा, डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू भंडारी का गर्मजोशी से स्वागत क्यों किया। मन्नू भंडारी की देशभक्ति और उनके भाषण को सुनकर डॉक्टर अंबालाल उनसे प्रभावित हुए थे तो उन्होंने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया था। दसवां प्रश्न है यतीन्द्र मिश्र रचित नौनत नौबत खाने में इनादत अध्याय में खां साहब की शिष्या ने उन्हें क्यों टोका और क्यों कहा। तो खां साहब की शिष्या ने उन्हें फटा तहमत पहनने पर टोका कि जब वो लोगों से मिलते थे उनका जो तहमत था वो फटा हुआ होता था, तो उनकी शिष्या ने उन्हें टोका और कहा कि बाबा यह फटा तहमत ना पहना करे। ग्यारहवां प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी अध्याय में आए पात्र जितेन का संक्षिप्त रूप से परिचय दीजिए। जितेन नारगे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था, वह गाइड होने के साथ साथ जीप ड्राइवर भी था। बारहवां प्रश्न है बच्चों भोला नाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, माता का आंचल अध्याय के आधार पर बताइए। तो भोला नाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि बच्चों को हम जोलियों का साथ जो आपके साथ खेलते हैं दोस्तों का साथ बहुत भाता है, तो भोला नाथ उनके साथ तरह तरह के खेल खेला करता था। तो बच्चों ये हमारा जो खंड अ पूरा होता है। अब हम चलते हैं बच्चों खंड ब की तरफ। तो इसके जो उत्तर सीमा है वो कम से कम 40 शब्द होने चाहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों ये खंड ब का पहला प्रश्न है नेताजी का चश्मा अध्याय में हवलदार साहब जब भी नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरते तब उन्हें अंतर क्यों दिखाई देता था। हवलदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजर ने पर हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम के बदल जाने का अंतर दिखाई पड़ता था क्योंकि कैप्टन अपने ग्राहक की पसंद पर लगे फ्रेम को बदलकर अन्य फ्रेम वाले चश्मे को लगा देता था। पांचवा प्रश्न है क्या किया उद्धव तुम अति बड़भागी के माध्यम से गोपियां उद्धव को क्या क्या कहती हैं। गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बड़े ही भागी हो भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से दूर हो तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अगला प्रश्न है आत्म कथा कविता में कवि अपनी आत्म कथा क्यों नहीं लिखना चाहता। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्म कथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। प्रश्न नंबर अगला है बिस्मिल्ला खां साहब की संगीत बिस्मिल्ला खां साहब को संगीत की प्रेरणा सर्वप्रथम किससे मिली।
छोटी सी उम्र में अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्ला खां अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ काशी के बालाजी मंदिर में रियाज करने जाया करते थे, लेकिन बालाजी मंदिर का एक और रास्ता था जो सिर्फ बिस्मिल्ला खां यानी अमरुद्दीन जानते थे, दाल मंडी का वो रास्ता जिस पर चलकर वो रसूलन बाई और बतलून बाई के कोठे तक पहुंचे सिर्फ संगीत की तालीम लेने। जब वो दोनों गाती तो बिस्मिल्ला खां को ईद में मिलने वाली ईदी जैसे खुशी मिलती थी। खनकदार आवाज में रसूलन बाई हर रोज नया राग गाती, कभी ठुमरी कभी टप्पे कभी दादरा। वहीं से इन्होंने भाव खटका मुरकी सीखा, वहीं से उन्हें संगीत की प्रारंभिक प्रेरणा मिली। 8वां प्रश्न है बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अध्याय में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है? लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं हैं धैर्य, मृदुभाषी, कर्मवीर और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाले। महाकवि निराला ने उषा कविता में बादलों की तुलना किससे की है? लेखक को डिब्बे में आया देख नवाब साहब ने तुम्हारा प्रश्न था बच्चों, महाकवि निराला ने उषा कविता में बादलों की तुलना किससे की है? कवि ने बादलों की तुलना नव जीवन देने वाले साहित्यकार एवं क्रांति चेता पुरुष से की है। जिस तरह कवि कविता द्वारा मन में उत्साह का संचार कर देता है, उसी तरह बादल वर्षा कर प्राणियों और धरती को शीतलता देता है। प्रश्न अगला है, एक कहानी यह भी कि लेखिका मन्नू भंडारी के अनुसार उनकी माँ अपने संतानों के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाई? लेखिका मन्नू भंडारी की माँ त्याग और धैर्य की प्रकाशा थी, त्याग एवं परिश्रम की मूर्ति थी, फिर भी वह लेखिका की आदर्श नहीं बन सकी क्योंकि लेखिका को अपनी माँ को चुपचाप हर बात को मान लेना, पिताजी की किसी बात का विरोध ना करना, अपने लिए कोई आवाज ना उठाना, परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का दमन कर अपने को उनकी खुशी के लिए स्वा कर देना लेखिका के व्यक्तित्व के विपरीत था। लेखिका उस समय की सक्रिय युवती थी जो हर अनैतिकता के खिलाफ कड़ी होती थी, जुलूस व हड़तालों में भाग लेती थी, वह उत्साह और ओस से भरी आजादी के लिए लड़ने वाली युवती थी। उन्हें अपनी माँ का दब्बूपन व अत्याचार का विरोध ना करना कभी पसंद ना आया। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज अध्याय में लेखक को नवाब साहब का कौन सा भाव अच्छा नहीं लगा? लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब ने असंतोष, संकोच तथा बेरुखी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अभिवादन कर खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया। लेखक को उनका यह भाव परिवर्तन अच्छा ना लगा क्योंकि अभिवादन सदा मिलते ही होता है, पहले अरुचि का प्रदर्शन और कुछ समय बाद अभिवादन को औचित्य नहीं। लेखक को यह भी लगा कि नवाब शराफत का भ्रमजाल बनाए रखने के लिए उन्हें मामूली व्यक्ति की हरकत में लथेड़ देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कविता का प्रतिपाद लिखिए। फसल कविता में कवि ने बतलाया कि फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है, इससे अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हैं, उनके समुचित सहयोग से ही फसल उगती और बढ़ती है। प्रश्न अगला है, लक्ष्मण और परशुराम दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तुलसी जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम महाक्रोधी, उग्र और अति आत्म प्रशंसक यानी अपने मुंह मिट्ठू बनने वाले मुनि है, वे स्वयं को प्रचंड क्रोधी, महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल का घातक बताते हैं। इस बायोलेपन के कारण उन्हें अपने बड़प्पन का भी ध्यान नहीं रहता, तभी वे लक्ष्मण से वाद विवाद कर बैठते हैं, जबकि बड़प्पन की निशानी यह होती है कि छोटों के प्रति विनम्र रहा जाए। इसके विपरीत लक्ष्मण के चरित्र में वाक्य चातुर्य और तर्कशीलता जैसे गुण तो है, किंतु इसके साथ साथ उनके जबान में बड़ों की बराबरी करने का दोष भी है। वे ऐसे ऐसे व्यंग्यवान छोड़ते हैं जिनसे परशुराम जी क्रोध में उफन पड़ते हैं। इस प्रसंग के आधार पर यह कहना गलत ना होगा कि अगर श्री राम जैसे विनम्र व संयमशील व्यक्ति बीच में ना होते और विनम्रता के साथ परशुराम जी से क्षमा याचना ना करते तो जनक दरबार किसी अप्रिय घटना का साक्षी बन जाता। प्रश्न अगला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार बिस्मिल्ला खा के बचपन के बारे में लिखिए। बचपन में वे अपने नाना और मामाओं को शहनाई बजाते देखते थे, कभी कभी वे अपने नाना की शहनाई बजाने के चक्कर में बैठक खाने में दवा भी बोलते थे।
जब उनके मामू शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धम से पत्थर पटकते मंदिर पर शहनाई बजाकर जो अठन्नी मिलती उसे वे अपने सबसे प्रिय शौक पर खर्च करते थे। ये सब वो व्यक्ति या व्यक्तिगत घटनाएं हैं जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। 15वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप कैसे हुई? बाल गोविंद भगत अपने जीवन में कभी आराम से नहीं बैठे, वे हमेशा ईश्वर के भजन और कीर्तन करते रहते थे। वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप शांत रूप से हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते तथा नेम व्रत रखते थे, अर्थात घर से कुछ खाकर निकलते और वापस आने पर खाते। लेकिन अब वृद्धावस्था के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बुखार होने के बावजूद नेम व्रत करना तथा ईश्वर के भजन गाना नहीं छोड़ा। एक दिन जब उन्होंने नेम व्रत कर रखा था तब उनका शाम का गीत तो सुनाई दिया, लेकिन भोर का गीत नहीं सुनाई दिया। वह जाकर देखा, वहां जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। अतः स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप शांत रूप से हुई। अगला प्रश्न है, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। जितेन नारगे के कहते ही मणि ने क्या प्रतिवाद किया? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखिए। लेखिका की सहेली मणि वास्तव में स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी, इसलिए उन्होंने प्रतिवाद करते हुए कहा था, नहीं, स्विट्जरलैंड ना तो इतनी ऊंचाई पर है ना इतना सुंदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार का आपको परिचय देना है। तो यहाँ पर हम तुलसीदास जी का परिचय दे रहे हैं। भगत शिरोमणि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में माता पिता से विछोड़ हो गया। गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके गुरु का नाम नर हरिदास था। पत्नी से मिली वृतृष्णा के पश्चात वे संसारी मोह माया से विमुख हो गए थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका रचित रामचरित्र मानस भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनके प्रमुख ग्रंथ है। अवधी और ब्रज भाषा के प्रचलित रूप से इनकी रचनाओं में मिलते हैं। सन 1623 में काशी नगरी में इनका देहावसान हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, हम करेंगे बच्चों खंड स में चल रहे हैं, तो इसमें आपको गद्यांश की व्याख्या करनी है, सह प्रसंग। तो चलिए बच्चों करते हैं व्याख्या। प्रस्तुत अवतरण इसका प्रसंग करना है बच्चों। सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण लेखक राम रक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत से लिया गया। इससे इसमें लेखक ने बाल गोविंद के व्यक्तित्व का वह उच्चतम रूप देखा जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। चलिए बच्चों व्याख्या करते हैं। लेखक ने भजन गाते हुए लीन बाल गोविंद के रूप में देखा, जो कड़ाके की सर्दी में पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उस स्वरूप को याद करके लेखक को वह दिन याद आ जाता है जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। लेखक कहते हैं कि वह दिन उनकी संगीत साधना का सबसे उच्चतम दिन था, उनकी साधना का चरम उन्नति का दिन था। जब बाल गोविंद के पुत्र की मृत्यु हुई कि वह उनका इकलौता पुत्र था, स्वभाव से सुस्त रुकुस दबा हुआ सा कमजोर लड़का था और इस कारण बाल गोविंद अपने पुत्र से अधिक स्नेह रखते थे। उनकी समझ के अनुसार ऐसे लोगों पर कमजोर या निगरानी के हकदार होते हैं, उन पर प्रेम स्नेह का भाव अधिक होना चाहिए। इसलिए हर माता पिता अपने हर तरह से कमजोर संतान के प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हैं। बाल गोविंद ने बड़ी इच्छा और आशा से अपने पुत्र की शादी करवाई थी। पुत्र वधु प्रभु कृपा से बड़ी सौभाग्यशाली, सुशील, शालीन व्यवहार की मिली थी। घर का पूरा प्रबंध संभाल कर बाल गोविंद भगत को दुनियादारी के बहुत से कार्यों से छुटकारा दिला दिया था। आशय है कि घर के पुत्र के कार्य घर के बाहर स्वयं करने लगी थी, जिससे बाल गोविंद को स्वयं की भक्ति साधना के लिए समय मिल जाता था। बच्चों दो व्याख्या थी, आपको चाहे तो आप नीचे वाली कर सकते हो, चाहे ऊपर वाली, हमने ऊपर वाली की है। तो चलिए बच्चों आगे हम करते हैं काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। इसमें भी बच्चों दो दे रखी है व्याख्या, तो हम पहले वाली व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित
सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया योग सिखाने आए उद्धव को गोपियां कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम को व्यक्त करती है। वे कहती है कि हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान उनका प्रेम दृढ़ और एक निष्ठ व्याख्या कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजे में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है। हमने मन वचन क्रम से नंद नंदन रूपी लकड़ी को अर्थात कृष्ण के रूप और उनकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। अब उसे हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। हमारा मन जागते सोते चाहे किसी भी दशा में क्यों ना हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है, अर्थात उन्हीं का ध्यान करता रहता है। गोपियां कहती हैं कि हे ब्रह्मर, तुम्हारी योग की बातें सुनते हमें लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली, अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हमें नितांत अरुचिकर लगती हैं। तुम तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने ना तो कभी देखा ना सुना ना कभी भुगता है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित है, इसलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन के समान हमेशा चंचल रहते हैं, अर्थात भड़कते रहते हैं, परंतु हमारी चित्तवृत्ति तो पहले ही कृष्ण में स्थिर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। इसमें विशेष बच्चों गोपियों ने अपने प्रेम की दृढ़ता और एक निष्ठा को हारिल पक्षी की उपमा देकर व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग तथा रूपक उपमा अलंकार की छठा दर्शनीय विराह में डूबी गोपियों की सहज भावाभिव्यक्ति का वर्णन है। अगला प्रश्न है बच्चों 21 नंबर, इसमें किसी एक पर निबंध लिखना है। आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है कोरोना वायरस और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चों मैं यहाँ आपको करवाने जा रही हूँ स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि हम चारों एक साथ यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको एक स्वच्छता अभियान करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। स्वच्छता ना केवल हमारे घर सड़क तक के लिए जरूरी होती है, यह देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है। इससे ना केवल हमारा घर आंगन ही स्वच्छ रहेगा, पूरा देश ही स्वच्छ रहेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान, जो कि हमारे देश के प्रत्येक गाँव और शहर में प्रारंभ की गई है, जो देश की प्रत्येक गली गांव की प्रत्येक सड़क से लेकर शौचालय का निर्माण कराना और देश के बुनियादी ढांचे को बदलना ही इस अभियान का उद्देश्य है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और सफल बनाने के लिए कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। साफ सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की। महात्मा गांधी जी का सपना, हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले स्वच्छ रहना और इसके तहत स्वच्छता को उन्होंने ईश्वर भक्ति के बराबर माना। स्वच्छता की शिक्षा उन्होंने सभी को प्रदान करी। उनका सपना था कि स्वच्छ भारत, इसके तहत वह सभी नागरिकों को एक साथ मिलकर देश को साफ रखने के लिए बारे में सोचते थे। इसी के तहत जिस आश्रम में वो रहते थे वहाँ रोज सुबह 4 बजे उठकर स्वयं सफाई करते थे। उन्होंने वृद्धाश्रम में अपना स्वयं का शौचालय बनवाया था जिसको प्रतिदिन सुबह शाम साफ भी करते थे। गांधी जी की यह स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य है खुले में शौच बंद करवाना, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। लगभग 11 करोड़ 11 लाख व्यक्तिगत सामूहिक शौचालय का निर्माण करवाना, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
लोगों की मानसिकता को बदलना, उचित स्वच्छता का उपयोग करके शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को शुरू करना, गांवों को साफ रखना, 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित कर गांवों में पाइपलाइन लगवाना जिससे स्वच्छता बनी रहे, ग्राम पंचायत के माध्यम से ठोस और तरल अपशिष्ट की अच्छी प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करना, सड़कें फुटपाथ और बस्तियां साफ रखना, साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। स्वच्छ भारत अभियान में अन्य योगदान। स्वच्छ भारत अभियान में न केवल आम लोग, सरकारी मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में मृदुला सिन्हा, बाबा रामदेव, शशि थरूर, कमल हासन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़ी बड़ी हस्ती अपना योगदान दिखा रहे हैं। उपसहार, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी द्वारा कहे गए कथन जो कि स्वच्छता पर आधारित है, उनके अनुसार स्वच्छता की जागरूकता की मशाल सभी में पैदा होनी चाहिए, जिसके तहत स्कूल में भी स्वच्छ भारत अभियान के कार्य होने लगे हैं। स्वच्छता से न केवल हमारा तन साफ रहता है, हमारा मन भी साफ रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की मिसाल आज हमारे पूरे देश के लिए आवश्यक है, जिसके तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी भवनों की सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखकर तंबाकू, गुटखा, पान आदि उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में आवश्यक है। तो बच्चों, ये हमारा निबंध पूरा होता है। तो अगला हमारे मिला है प्रश्न बच्चों पत्र का। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पत्र कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के बारे में अवगत कराते हुए पुस्तकों की व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। दो पत्र है बच्चों, हम पहले वाला पत्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान पुस्तकालय अध्यक्ष, तो स्कूल का नाम लिखना है यहाँ और शहर का नाम लिखना है जहाँ आप रहते हो, और डेट डालनी है यहाँ पर। शुरू करते हैं। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि बहुत समय हो गया हमारे विद्यालय में कोई पुस्तक नहीं आई है। कई विषयों की नवीनतम पुस्तकें हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। मेरे बहुत से सहपाठियों को पुस्तकालय में पुस्तकें न मिलने पर परेशानी हो रही है। यहाँ अधिकतर बच्चे नई पुस्तकें खरीदने में असमर्थ है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे प्रिंसिपल से अनुमति लेकर नई पुस्तकें मंगवाने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपनी कक्षा लिखनी है। अगला प्रश्न है बच्चों, तेईसवा, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। चाहो तो आप जल संरक्षण का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं या विज्ञान मेलेगा। तो बच्चों, हमने यहाँ जल संरक्षण को के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार किया है। तो इस तरह से बच्चों आपको विज्ञापन तैयार करना है। जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.002% ही ताजा जल है पृथ्वी पर। और आपको एक चित्र बनाना है नल का। ताजा जल अपशिष्ट ना करे, यानी पानी को व्यर्थ ना करे। तो इस तरह से बच्चों आपका जो आज का मॉडल पेपर तीसरा था वो कंप्लीट हो गया है। आपकी जो प्रश्न बुक बैंक थी उसके अंदर से मॉडल पेपर 3 थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आप करके दिखाएंगे सप्रसंग व्याख्या। तो इसी तरह से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।